60 साल का अक्षय बुढ़ा और मानुषी छिल्लर जो वाकई चिल्लर हैं और किसी भी एंगल से हीरोइन लगती ही नहीं है, अगर हंसती भी है तो खिजाऊनी लगती है। जी हाँ दोस्तों, यह बयान सुन एक बार के लिए तो आप भी सोच में पड़ गए होंगे। दरअसल दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज जल्द ही रिलीज होने वाली है, बट इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म को सुपर डुपर फ्लॉप साबित कर दिया गया है। जी हाँ, फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसे देख एक्टर एंट्रिटी कमाल आर खान ने अक्षय और फिल्म की हीरोइन जो मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी है की वॉट लगा दी है और दोनों को जमकर धोया है। दरअसल कमाल आर खान ने कहा कि जब ट्रेलर चालू होता है तो यह लिखा आता है कि यह कहानी 12वीं सदी की है, जहां हिंदू राजा पृथ्वीराज के पिता का देहांत हो गया और उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ गया है और राजा बनाया जाता है पृथ्वीराज को। कमाल आर खान ने आगे कहा कि दोस्तों, आपको यह बताना जरूरी है कि पृथ्वीराज मात्र 26 साल की उम्र में मर गए थे, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने उन्हें युद्ध में मार दिया था। लेकिन जब यह रियल कहानी 26 साल के लड़के की है, तो फिर अक्षय कुमार अंकल जो 60 साल के हैं, वो इस फिल्म के हीरो कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल में तो उस वक्त इतनी उम्र तो मोहम्मद गोरी की भी नहीं होगी, फिर 60 साल के बूढ़े अंकल अक्षय यह रोल कैसे निभा सकते हैं? दोस्तों कमाल आर खान का हाथ यहाँ भी नहीं थमा और आगे कहा कि इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है मानुषी छिल्लर की, जो वाकई में चिल्लर हैं और किसी भी एंगल से फिल्म की हीरोइन नहीं लगती हैं, अगर वो हंसती भी हैं तो खिजाऊनी लगती हैं। इतना ही नहीं, कमाल खान ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि यह कैनेडियन सुपरस्टार पान मसाला किंग अक्की भाई की फिल्म रिलीज हो रही है, ट्रेलर के साथ ही यह फिल्म सुपर डुपर हिट फ्लॉप हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि कमाल आर खान ने अक्षय कुमार को कैनेडियन सुपरस्टार इसलिए कहा क्योंकि उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं बल्कि कनाडा की सिटीजनशिप है। साथ ही साथ कमाल आर खान ने फिल्म के बारे में यह भी कहा कि फिल्म में संजय दत्त और सोनू सूद भी अक्षय की मदद करते हैं, इसका मतलब फिल्म में कोई पावरफुल विलेन नहीं है, इसका मतलब है कि यह साल की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित होगी। फिलहाल दोस्तों, क्या आप भी कमाल आर खान की तरह फिल्म की कास्टिंग को लेकर नाखुश हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।